बिहार का सियासी माहौल इन दिनों काफी गर्म है। वजह है कि आखिर लालू प्रसाद की गद्दी किसे मिलेगी, और इस गर्म सियासी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू अपने ही बेटों के बीच में झगड़ा सुलझा पाएंगे या नहीं। बिहार का सियासी संग्राम इस रिपोर्ट में समझते। बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप के बीच जारी तनातनी लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद पटना पहुंचे थे। तमाम राजद समर्थकों समेत उनके बेटे तेज प्रताप यादव बेसब्री से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर लालू यादव के आगमन के बैनर और होर्डिंग लगाए गए। लालू प्रसाद यादव के समर्थक लगभग 3 सालों तक बिहार की राजनीतिक जमीन से अदृश्य रहे अपने नेता की एक झलक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी संघर्ष में उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे, जो किसी तरह एयरपोर्ट पर अपने पिता तक पहुंचना चाह रहे थे। बकौल तेज प्रताप यादव, उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए काफी हाथापाई करनी पड़ी। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि उनके पिता एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास पर आए और उसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास पर जाए। पिता के स्वागत के लिए तेज प्रताप ने अपने आवास के गेट को भी फूलों से सजवाया था। लेकिन शाम 6 बजे पटना पहुंचने के बाद लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती संग सीधे राबड़ी देवी के आवास पर चले गए। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक पहुंचे तेज प्रताप की गाड़ी को बंगले के अंदर नहीं जाने दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करना, क्योंकि इन दोनों चुनाव में राजद की जीत प्रदेश में पार्टी और पार्टी में तेजस्वी की जगह मजबूत करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीतिक संघर्ष के तार भी दोनों भाइयों के बीच जारी जंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां एक और राजद की सहयोगी रही कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान सीट पर अशोक राम के बेटे अतिरेक को टिकट देने का फैसला किया, तो वहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर अतिरेक का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने तेज प्रताप के खिलाफ कदम उठाते हुए राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में से उनका नाम बाहर कर दिया। शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव इस समय समस्या का हल आखिर कैसे निकालेंगे। बिहार की राजनीति को करीबी से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि लालू यादव के लिए चुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शन में तेजस्वी को एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। अब प्रदेश स्तर पर भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनौती तेज प्रताप यादव की ओर से ही मिल रही हो तो आखिर लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। लालू यादव के लिए दिनों दिन इस समस्या का समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा। उनके लिए सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली बात ये कि अगर तेज प्रताप टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वाले भड़का रहे, लेकिन कांग्रेस जो राजद की पार्टनर रही है कभी, वह तेज प्रताप यादव का फायदा उठा रही। तेज प्रताप जहां कुशेश्वर स्थान में अशोक राम के बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं तारापुर सीट पर राजद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस एपिसोड का अंत आपको बताते चले फिलहाल के लिए नहीं होने वाला। लालू यादव के परिवार में उत्तराधिकार को लेकर जंग होना कोई नई बात नहीं थी। माना जाता है कि इससे पहले मीसा भारती भी आवाज उठा चुकी है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच जारी विवाद की बात करें तो अब समाधान निकलना फिलहाल के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि तेज प्रताप पार्टी में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में पार्टी से लेकर परिवार और निजी जीवन में अकेले पड़ चुके तेज प्रताप खुलकर बयानबाजियां कर रहे हैं। लालू यादव पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वह तेज प्रताप यादव की मांग और उनके बढ़ते हुए गुस्से का हल आखिर कैसे निकालेंगे। इस समय आपको बताते चले लालू यादव की सबसे बड़ी चिंता संभवतः तेज प्रताप यादव का सिर्फ गुस्सा ही है। तेज प्रताप के धरने पर बैठने से उनकी नाराजगी स्पष्ट हो चुकी है। राजद के प्रदेशाध्यक्ष को उन्होंने आरएसएस का एजेंट बना दिया था। राजद के एमएलसी समीर कुमार सिंह को भी संघ का एजेंट बता दिया था। यही नहीं, धरने पर बैठने के बाद ये भी बता दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो परसों तक अपने आप को कृष्ण बोलता था और तेजस्वी को अर्जुन बताते थे। और नाराजगी इस स्तर पर अब पहुंच चुकी है कि लालू यादव को आधी रात में तेज प्रताप के घर आना पड़ा था।
और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि टीवी पर जो फुटेज उस समय चलाई गई थी उसे देखने से लगा था कि लालू जी शायद सो गए होंगे। लालू जी ने 2-3 बातें कही होंगी जिसके बाद तेज प्रताप के सुर बदल गए होंगे। ऐसे में इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता ये कि तेज प्रताप यादव को गुस्सा किस तरह आखिर शांत किया जाए। फिलहाल आपको बताते चले कि बिहार में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, बात राजनीतिक भविष्य को बनाने और अपने अस्तित्व को बचाने की है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसी समय बिहार की राजनीति को नया आयाम देने वाले लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अंदरूनी कलह को आखिर मिटाते हुए इसका हल कैसे निकालेंगे। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।